एडवोकेट जनरल दे ऑफिस दे वल्लों लॉ ऑफिसरां दी भर्ती है जिहड़ी कढ़ी जांदी है, पर उस दे विच किसी भी तरह का राखवांकरण नहीं रखा गया है। यह कहना है ओपोजिशन यानी कि कांग्रेस का। साढ़े नाल डिप्टी लीडर ने ओपोजिशन दे गलबात करदे आ राजकुमार चब्बेवाल जी। चब्बेवाल जी, अज तुसीं एक होर राखवांकरण का जिहड़ा मुद्दा चुकिया, पंजाब दे विच इह मुद्दा वैसे भी बड़ा भखदा पिया, तुहानूं क्यों लगता है कि जिहड़ा राखवांकरण होना चाहिदा सीगा उह पंजाब दे विच नहीं हो रहा? देखो, सब तो पहला तो मैनूं इस करके लगता है कि जिहड़ी इन्हां ने जदों इह सरकार आई है तो इन्हां इस सरकार ने हर जगह हर ऑफिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शहीद भगत सिंह उन्हां दा यानी बहुत व्याख्यान किया, हर जगह उन्हां दीआं फोटोआं ने, चाहे सीएम ऑफिस होवे। और जदों उन्हां दे रस्तियां ते चलण दी गल आउंदी है तो ये पार्टी जिहड़ी आ उन्हां दे जिहड़ी पाए हुए पूरने है उस दी परवाह नहीं करदी। 178 पोस्टां में सब तो पहला जो सरकार आई है आँदे सार 178 पोस्टां जिहड़ियां वह ए जी ऑफिस दे विच जदों कढ़ियां, और जदों एडवर्टीजमेंट आई तो जदों साढ़े लॉ ऑफिसर्स दीआं 178 पोस्टां ए जी ऑफिस जदों निकलियां तो उन्होंने देखा कि उस दे विच कोई राखवांकरण का कितें भी वर्णन नहीं है, क्योंकि एज़ पर लॉ, एज पर द पंजाब एससी एंड बीसी एक्ट रेजरवेशन एंड सर्विसिज 2006 एक्ट, उस एक्ट के तहत जिहड़ा 25% राखवांकरण है वह एससीज़ नूं ते 12% राखवांकरण जिहड़ा है वह बीसीज़ नूं जरूरी है, पर इस राखवांकरण की कितें भी उस एडवर्टीजमेंट के गल नहीं की गई। और जदों ये देखिया तो असी जिहड़ा नैशनल एससी कमीशन नूं, मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, असी नैशनल एससी कमीशन नूं भी अप्रोच किया और उन्होंने मैंशन किया कि भाई सरकार का अपना कानून है, सरकार आप कहती कि सानूं राखवांकरण देना चाहिए, और सरकार का अपने होम डिपार्टमेंट का फैसला है, ए जी चिट्ठी लिखी है 9/12/2021 भी भाई ये जी जड़ियाँ यह फैसिलिटीज़ आ ये होनिया चाहिए, पर अफसोस के तुसी वो मैंशन ही नहीं किया। उस तो बाद नैशनल एससी कमीशन ने इन्हों लिखा कि यह जरा ये राखवांकरण अपने कानून के हिसाब के नाल बनदा दिता जाए, और उल्टा इन्होंने राखवांकरण देने की बजाय इन्होंने हाई कोर्ट मूव किया, और हाई कोर्ट के रिट पटीशन के वर्णन किया कि जी असी ये राखवांकरण नहीं दे सकते, सानू तो एफिशेंट ऑफिसर्स की एफिशेंट लॉ ऑफिसर्स की जरूरत है। सो मैं समझता कि जिहड़ा कि सीधा ही इनकारी है तो मैं आप जी तुहाडे राही इन्हां नूं सरकार नूं यह बेनती करनी चाहना कि जो संविधान के तहत जो उन्हां दे हक बनते हैं वो हक जिहड़े है दिते जाण, और एडवर्टीजमेंट जिहड़ी है दोबारा जारी की जाए, और जिहड़ा रिट पटीशन भी तुसीं फाइल की है उन्हूं भी विड्रॉ किया जाए। बारे तुसीं किसी मंत्री नाल या किसी अहुदेदार नाल गलबात करन दी कोशिश कीती पंजाब सरकार जी? इस तों पहलां जदों इन्हां दा अज तक एडवर्टीजमेंट निकली सी उसे दौरान मैं मानयोग साडे वित्त मंत्री साहब हरपाल एच एस चीमा जी, मैं उन्होंने भी संपर्क किया सी, और उन्होंने भी उचेचा उन्होंने ध्यान च लिया सी कि तुसी भी सारे मुद्दे चकते रहे हो तो काइंडली नाउ यू आर इन द गवर्नमेंट तो हुण तुसी इन्हां मुद्दियां ते आप गल करो और ये जिहड़े हक बनदे इन्हां नूं दिता जाए। पर अफसोस यह है कि ईवन जिहड़े साडे वेलफेयर मिनिस्टर ने मैडम डॉक्टर बलजीत कौर उन्हां कोल भी साडियां जिहड़े संगठन गए पर उह जाण दा कोई फायदा नहीं होया, उल्टा सरकार ने यह किया भी असी तां जी ये जिहड़ी रेजरवेशन असी राखवांकरण जिहड़ा दे नहीं सकते। हुण अगे तुसी की करना चाहोगे, की स्टैप है जिहड़ा तुहाडे दे वल्लों लिया? जेकर सरकार वल्लों इस ते नहीं अमल किया गया तो असी जिहड़ा मुख्यमंत्री की कोठी का घिराओ करो। कदों घिराओ करो? विद इन 3 वीक्स, अच्छे 3 हफ्ते देवांगे इन्हां नूं, तो उस तो बाद जेकर नहीं होया तो बिल्कुल असं कोठी का कराओ। चब्बेवाल जी, इस तो अलावा एक मुद्दा होर है, पंजाब दे विच एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है तो राघव चड्ढा नूं उसका जिहड़ा है वह चेयरमैन थापिया गया, किवें देखदे हो? मैं तो समझदा कि जिहड़ी सलाहकार कमेटी बनाई गई है ये बिल्कुल बेमायना है, क्योंकि सलाहकारां दी तां वैसे भी कमी नहीं है, पर हुण तक मैं जिन्ने के भी भगवंत मान जी दे सलाहकार देखे है वो उन्हां नूं पुठियां सलाहां दिंदे देखे है। आ तुसीं देख लो कि इन्हां ने सब तो पहला रीसेंटली ट्विटर ते इन्होंने कहिंदे सानू जमीन विधानसभा लई दिओ, हाई यूनियन गवर्नमेंट तो सानू विधानसभा लई जमीन दिओ, हाई कोर्ट लई जमीन दिओ, वे भाई ये तो इन्हां नूं ये नहीं पता इन्हां दे सलाहकारां नूं जां मुख्यमंत्री साहब नूं वे भाई ये तो ऑलरेडी साडे पंजाब की जमीन है तो ऑलरेडी विधानसभा भी चल रही है, हाई कोर्ट भी चल रहा है, और उस तो वड्डी तुसीं सलाहकार इन्हां दे देख लो, सलाहकार तो यही ने ना, इन्हां दे सलाहकारां ने जिहड़ी सलाह दित्ती है कि इन्हां दी सिक्योरिटी कवर जदों वापस लिया वी आई पीज़ का उस दे विच भी पंजाब का किड्डा वड्डा नुकसान होया। सो एक तो पहला तो सलाहकार जिन्ने कि यह कामयाब ने सारे पंजाब नूं पता लग चुका है, और दूसरा सलाहकार कमेटी बनाने का एको ही मकसद है कि बैकडोर तो पावर की एंट्री है, बैकडोर तो पंजाब नूं हथियाना चाहते हैं, पंजाब ते कब्जा करना चाहते हैं। सलाहकार ने जिहड़े उह तां कांग्रेस दे वल्लों भी लगाए गए सी, सानूं जितों तक याद है राजा बड़िंग भी लगाए गए सी, वेरका जी भी लगाए गए सी, उन्हां नूं कैबिनेट रैंक भी दित्ती गई। सलाहकार लगाओ जी सदके लगाओ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 92 MLA ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿਓ, ਵਟ ਐਵਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਓ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਲਾਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛਪਵਾਏ ਸੀ ਕਿ 955 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਗਏ, ਮਾਣੂਕੋ ਜੀ ਗਏ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਨਿਆ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਰਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ। ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਛੱਬੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਸਦਾ ਮੁੱਢ ਮੱਤੇਵਾੜ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰ। ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਿੱਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੂਟੋ ਮੈਕਸ 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। पहला मेरा लव मैरिज नूं लैके कोई भी काम नहीं बन रहा सी, बहुत जगह ते धक्के खाए। फिर बाद विच मैनूं किसे ने मियां मुराद जी अली बारे दस्या, ते अज देखो मैं अपने वैवाहिक जीवन दे विच बहुत खुश हाँ। कारोबार एकदम ठप हो गया सी, असीं बड़े औखे हो गए। फिर सानूं किसी ने ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98417 18786 97797 24075।